और फिश जो है, फिश इज ए एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल से फिश को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल में पाई जाती है ना। तो फिश जो है वो जल में पाई जाती है, इसलिए इसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। एनिमल्स हु लाइव्स इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। उड़ रही है तितली, फ्लाइज है ना। ये कैसे हो पा रहा है? AR टेक्नोलॉजी, क्यूवर की हेल्प से, टेक्नोलॉजी के मदद से सब चीज़ें हो पा रही हैं। जैसे हमें बदल रहा है कि जो अब ये हमारा है नभचर, वायु मोड़ने वाला जंतु है, एरियल एनिमल्स। इसको अब रीड कर लिया, पर्पल कलर घोड़ा आ गया। उसको टच करो, जो बोला ना गुरु, सही से स्कैन करो, सही से कर। डायनासोर भी जमीन पे पाया जाता है, थल पे पाया जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? यस, स्कैन हो गया। ये तो तितली लाइव होगी ना, जिंदा हो गई जी। तितली कहाँ रह करती है, हवा में? तितली नभचर है ना, तितली हवा में उड़ती है इसलिए नभचर कहलाती है। ओके, तो एरियल नभचर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरियल एनिमल। और ये देखो वेल चल रही है, AR टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है ना। ये क्यूवर्स ने हम लोग के लिए इस तरह के AR शीट्स बनाई हैं, एनिमल्स की एजुकेशनल शीट्स, जिसके द्वारा हम लोग समझते हैं। और अब वेल मछली कहाँ रहती है? समुद्र में, मतलब जल में रहती है। तो इसको कौन सा प्राणी कहेंगे, एनिमल्स कहेंगे? उभयचर कहाँ होगा, ये तो जल में रह रही है। ये जलचर, जलचर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, एक्वेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं?